Dear students, today we are going to read about physiographic division of India. As we know that India is a vast country of the world. It is 7th largest country of the world. So it is very simply to say that number of physical features must be found here. According to geographers, India is divided into 6 major physiographic units. They are the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. हमने चर्चा किया कि भारत एक विशाल देश है और इसकी विशालता के कारण यहाँ पर बहुत अधिक भौतिक विविधताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा महादेश है। भूगोलवेताओं ने इसके भौतिक विभाजन को जो स्वीकार किया है वो 6 भागों में, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत भौगोलिक भूगर्भिक रूप से युवा और संरचना की दृष्टि से मूलदार पर्वत है। ये उत्तर में भारत के अवस्थित है और इसकी जो शाखाएं हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। आप देखिएगा भारत के मानचित्र में हिमालय को तो एक चाप के आकार का लगता है कि सेमी सर्किल है, चाप के आकार में यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसके जो श्रेणियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त है। इसको इसका जो सबसे उत्तर का श्रेणी है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इज नोन एज द ग्रेट आवर इनर हिमालय, उसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफिएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यह जो है यह लगातार और सतत श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कहीं इसमें कटाव नहीं है, बिल्कुल लगातार श्रृंखला है और इसमें
हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। आज हम लोग इसके बारे में इतना ही जाने। इसके बाद हिमालय का और वर्गीकरण हम लोग इसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग एक प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। विच रेंज ऑफ हिमालयाज आर मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज? हिमालय की कौन सी श्रेणी सतत या लगातार है? धन्यवाद।